सुकमा जिला विकासखंड चिन्नगढ़ ग्राम पंचायत इड़जेपाल हम लोग पहुँचे हैं। जानते हैं लोगों से कि गांव में कितनी विकास हुई है और कितनी नहीं हुई है और कितना खुश हैं। आपका नाम? मैं सुखदेव नाग हूँ, मैं बिगाड़मराज का ही हूँ। इस गांव के विकास के बारे में बोलेंगे? विकास बोलने से यहाँ बहुत कम मात्रा में विकास हुआ है, 1% भी नहीं हुआ है विकास। ये पहले डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में वहाँ तक इड़जेपाल तक का वो टोटापारा तक का रोड बना था, उसके बाद इधर वहाँ से इधर बंद हो गया। ये सरकार में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। उतना समय एक दो टन घर भी बना यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो केंद्र सरकार वाला, ये सरकार के समय तो एक बाथरूम तक का नहीं बना, ना ही वो बाथरूम गड्ढा तक का नहीं बन रहा है, ना घर तो दूर। ऐसे करके ये सरकार इस योजना को बंद करने से बहुत ही गरीब लोग को अन्याय हो रहा है, इन लोगों का छत को छीन रहा है ये सरकार, और कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। आज तक तो पूछ के देखने को भी नहीं आया है। अभी तो 2 साल बच गया, इसका 3 साल तो बीत गया। अब काम करने का होता तो इतना समय तो काम करता ना हो, ये 2 साल में अब क्या करेगा बड़े बड़े दावा करने के बाद भी। इसलिए ये सरकार मतलब गरीबों का एकदम दुश्मन है ये सरकार। ये किसी गांव में जाके कोई काम नहीं करता, किसी का भला नहीं किया आज तक ये सरकार, जब से ये सरकार है। बहुत बड़े बड़े वादे तो करते हैं लेकिन वो सिर्फ कागज में ही होता होगा, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ग्राम के गरीब लोगों के साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। सही बात है ना? सही गोट सांगे से सही है। और इस गांव की जो विकास नहीं हुआ उसके बारे में क्या बोलेंगे? क्या क्या विकास नहीं हुआ है? विकास नहीं हुआ बोलने से ये सरकार तो कभी भी आवेदन लिख के तक गए, आवेदन देने के बाद भी ये सरकार के पास कभी पैसा नहीं है, ये नहीं फंड में पैसा नहीं है, ऐसा सामने वाले लोग ऐसा बोलते हैं। अब इनको क्या अभी बोलेंगे? अभी इनका एक ही रास्ता है कि अगले 2023 में हम लोग ये सरकार को नकारेंगे और अपना जो अच्छा सरकार को लाएंगे। अभी आपके सामने फिलहाल क्या दिख रहा है, समस्या क्या है? समस्या बोलने से ये सरकार तो ये बोरिंग में रास्ता अच्छा नहीं है एक तो, और ये बोरिंग का भी जो सौर प्लेट लगा है वो भी कहाँ गोल, कई जगह तो हर जगह बन रहा है, ये जल समस्या की बात है। यहाँ पर अच्छा पानी साफ पानी नहीं मिलता, उसको भी ध्यान नहीं दे रहा है ये सरकार, है नहीं। और समस्या बोलने से ज्यादातर के तो गरीब लोग हैं।